सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। आज मैं भारत के महान सपूत ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी को श्रद्धांजलि दूंगी। आरजेएस टीजेएपीएस केबीएस के सकारात्मक भारत के आज़ादी के आंदोलन में आज मैं रेणु श्रीवास्तव जयपुर राजस्थान से आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मैं सभी मुख्य अतिथियों का सादर अभिवादन करती हूँ, आरजेएस परिवार के भी सभी सदस्यों का अभिवादन करती हूँ, साथ ही मन्ना जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे आरजेएस के प्लेटफॉर्म पर मेरा चयन करके मुझे वीडियो के माध्यम से और पॉजिटिव स्पीकर के रूप में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे इस वेबिनार के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे ऐसे नाम सुनाई पड़ते हैं जो मैंने कभी नहीं सुना था, और मुझे इस वेबिनार का हर हफ्ते बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जन्म 17 जून 1903 को एक अग्रवाल परिवार में आसाम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित तामुलबारी नामक चाय के बगान में हुआ था। इनके पिता परमानंद अग्रवाल और माता किरण गोई अग्रवाल थीं। इनका परिवार 1811 ईस्वी में राजस्थान के मारवाड़ से आसाम में आकर के बस गए थे। अग्रवाल जी की शिक्षा आसाम और कोलकाता से हुई थी। 1921 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, इसी दौरान असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आंदोलन रुक जाने पर कोलकाता जा करके वहाँ उसके नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद 1926 में इकोनॉमिक्स के अध्ययन के लिए वो इंग्लैंड चले गए। फिर शिक्षा पूर्ण कर वहाँ से जर्मनी चले गए। वहाँ से आकर के वहाँ पर उनका संपर्क हिमांशु राय जी से हुआ। हिमांशु राय से सिनेमा कला सीखने का अवसर मिला। 1930 में वह भारत आने पर फिर से असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन शामिल होने पर उनको 15 महीने की जेल की सजा हो गई। 1932 में उनका विवाह देव यानी भुइया के साथ हुआ। जर्मनी में सीखी कला का उपयोग करके 1935 में असमिया साहित्यकार लक्ष्मीकांत बेजरुआ के ऐतिहासिक नाटक ज्योमुति कुंवर की आधार मान करके असमिया फिल्म। दो सहयोगियों गुरु विष्णु प्रसाद और हरी शर्मा के साथ असमिया जन संस्कृत को एक नई चेतना दी। स्वर्णिम युग था। ज्योति प्रसाद की संपूर्ण रचना को सरकारी प्रकाशन संस्थाओं में 4 खंड में प्रकाशित किया। उनके 10 नाटक, 10 कहानियां, 13 उपन्यास, 20 से ऊपर निबंध तथा 359 गीतों का संकलन था। 3 हिंदी में, 3 अंग्रेजी में और अधिकतर असमिया में भाषा में लिखा गया था। आसाम सरकार 17 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि में शिल्पी दिवस मनाती है। इस दिन पूरे आसाम प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहता है। वहाँ पे स्कूलों में बहुत तरह के आयोजन होते हैं, उत्साहपूर्वक कार्यक्रम होते हैं, सरकारी संस्थाओं में भी प्रोग्राम होते हैं, प्रभात फेरियां निकाली जाती, साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी
ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी का शरीर 16 जनवरी 1951 को शांत हो गया है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आरजेएस परिवार की तरफ से, सभी मुख्य अतिथियों की तरफ से ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी को शत शत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।